ये भाई पावर बैकअप का सॉल्यूशन चल रहा है गाड़ी में भाई। हमारी कैंपिंग है थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। हम ना मतलब अब आ जाते हैं इंजन वाले पार्ट पे। तो भाई कमेंट करके जरूर बताना भाई कि हमें इस जी वेलकम बैक टू चैनल कैसे आप सब मिलता सब बहुत अच्छे हो और फुल मजे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। भाई घर का इधर का ना पेंटिंग का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, दिख रहा ना बिल्कुल नया नया सा। अभी ये देखो प्लांट सब सेट हो गए। ये तो दो चार बाल्टी पड़ी हैं, खाली हैं तो खाली हैं। भाई गाड़ी रेडी नहीं है भाई, मैं भी अभी रेडी नहीं हूँ भाई। पहले करेंगे गाड़ी को रेडी, क्योंकि भाई जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक हम कहाँ निकल जाएंगे, ट्रिप पे निकल जाएंगे भाई। एंड शायद मतलब जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे हम पहाड़ों में कहीं पे अपना कैंप सेट कर रहे होंगे। जी हाँ, हम जा रहे हैं कैंपिंग करने। जी हाँ, हम सारे दोस्त भाई कैंपिंग करने जा रहे हैं। बहुत टाइम से भाई हमारा प्लान था, सितंबर से प्लान चल रहा था भाई, करते 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 नवंबर आ गया। लेकिन अब हमारे को भाई ये डिले नहीं करना था, तो इसलिए भाई अब चल लो निकल लो भाई, अब बहुत हो गया, इतने दिन तक नहीं रुका जाता भाई। ठीक है, एक चीज प्लान होने के बाद ना फिर यार ये हो जाता है यार चलो बस चलो। अब तो स्क्रीन भी भाई मैं अब आने के बाद ही चेंज कराऊंगा गाड़ी की, अभी नहीं करा रहा मैं इसको चेंज। एंड भाई देखो गाड़ी जा रही है ट्रिप पे, तो उससे पहले भाई गाड़ी को रेडी करना बहुत जरूरी है। वॉशिंग पे अभी इसको मैं लेके चलूंगा, उससे पहले भाई गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें आपको रेडी करके चलना चाहिए तो अभी वो चेक कर लेते हैं अपनी गाड़ी के। सबसे पहले देखो गाड़ी के टायर्स ओके होने चाहिए, टायर अपनी गाड़ी के बिल्कुल ओके है। अलाइनमेंट जस्ट मैंने 500-600 किलोमीटर पहले ही करवाई थी, एंड जो लास्ट वीडियो में आपने देखा पंक्चर हो गया था तो वो भी रिपेयर है। टायर एंड फिल्टर अपने साथ में ही है, तो अगर टायर में हवा कम ज्यादा होगी तो वो देख लेंगे। वैसे मैंने कल चारों टायरों की हवा भाई चेक करवा ली थी। अब आ जाते हैं इंजन वाले पार्ट पे। तो भाई ये रहा अपना कूलेंट। कूलेंट भाई कितना है, लगभग बराबर ही है, थोड़ा सा हल्का सा टॉप अप मांग रहा है। मैक्स वहाँ होता है, मैक्स और मिनिमम के बीच में है, तो मैक्स से ज्यादा ऊपर रखने की जरूरत नहीं है अपने को, जितना है उतना अपने इसको टॉप अप कर लेंगे। कूलेंट है अपने पास, अभी मैं इसको टॉप अप कर दूंगा। ये है अपना ब्रेक फ्लूइड नहीं है, ये पावर स्टीयरिंग ऑयल है भाई, ये भी भाई फुल है, पावर स्टीयरिंग ऑयल पूरा है, इसको बंद कर देते हैं। एंड ये है अपना भाई वाइपर फ्लूइड। तो वाइपर फ्लूइड में अपन क्या करेंगे भाई, ये कोलिन डाल देंगे, ठीक है ना, ये जमता उमता नहीं है ना। खैर अभी इतनी एक्सट्रीम वाली उसमें तो नहीं जा, गिरेगा तो नहीं, ये गया बस, इसको फुल कर देंगे भाई। तो जी वाइपर फ्लूइड भी टॉप अप कर दिया, कूलेंट भी टॉप अप कर दिया, ब्रेक ऑयल और पावर स्टीयरिंग ऑयल ओके था। अब कौन सा ऑयल बच गया भाई, सारे ऑयल हो गए ना, अरे ये ऑयल मेन ऑयल इंजन ऑयल रहेगा भाई, इसको चेक कर लेते हैं। बस देखो सर्विस रिसेंटली हुई थी, अभी इसको मैं बताता हूँ। ओके काला तो भाई डीजल गाड़ी है ना, वो तो डालते ही इंजन ऑयल काला हो जाता है भाई डीजल गाड़ी में। तो चलो जी अपने सारे ऑयल वॉयल ये वाला पार्ट अपना चेक हो गया। बैटरी के टर्मिनल्स अभी अपन ने चेक कराए थे, वो भी ओके हैं। अभी तो नई बैटरी पड़ी है गाड़ी को, 8-9 महीने तो हुए, 9-10 महीने हो गए 10 महीने हो गए भाई गाड़ी को। बोनट कर दिया बंद, एंड अब चलेंगे गाड़ी की वॉशिंग कराने। एंड वहीं रास्ते में आपको चलते चलते बताऊंगा कि भाई क्या कुछ है, क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं है, है? वैसे तो आज भाई मेरे को विकास भाई के साथ रोहतक भी जाना था, उनकी वेन्यू में टायर साइज अपग्रेड करवाना था, पर यार यहाँ का काम भी मेरे को देखना था, क्योंकि जब आप घर से बाहर जाते हो ना भाई तो आपको पीछे से ना अपने सारे काम भाई सेट करके जाने पड़ते हैं, ताकि पीछे से कोई दिक्कत ना हो, कोई मिसमैनेजमेंट ना हो। तो मैंने अर्जुन को फोन कर दिया था भाई, 215-60-16 आता है इसमें, तो आप 225-60-16 इसमें डाल देना, ठीक है। टायर विकास भाई वहां देख लेंगे, ट्रेड उसमें अपोलो LX4G जो उनको डालना था वो था, जो प्राइस वाइज था वो सारा मतलब कल ही बात कर ली थी हमने इसी के रिगार्डिंग। एंड जाखड़ साथ चला ही गया था, क्योंकि जाखड़ की गाड़ी का टायर फट गया था ना हैरियर का, तो वो भी वारंटी में अपना चेंज करा लाएगा, वो दिया दूसरा उठा लाएगा, ठीक है ना। जाखड़ को भी ऐसा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई टायर जाएगा फिर क्लेम होएगा फिर आएगा, तो अर्जुन भाई के साथ अपना इतना तो है कि वो अपना पास कराते रहेंगे, कोई बात नहीं भाई आप अपना टायर ले जाओ, आप फ्री हो, ठीक है ना। यही भाईचारा चाहिए बस हमारे को, वक्त पे काम हो जाए सबका, ठीक है। बाकी जाखड़ का फोन आ गया था मेरे पास कि विक्रम भाई हमने टायर चेंज करवा लिए, अब हम वापसी कर रहे हैं। मां चलो ठीक है भाई, बढ़िया बात है, ऑल गुड, काम होना चाहिए भाई, भाई जाए ना जाए, अब तो इतना हो गया, इतनी बार जा लिया, अब तो पता ही है कि भला प्रॉपर भाई टायर घर पे अर्जुन भाई मिलेगा, वहां अपने टायर चेंज कराने हैं, ठीक है भाई। भाई सारे काम अपने निपट गए। एंड भाई जो काम मेरे को करने थे ट्रिप के लिए, मतलब जो सामान वान लेना था उसकी जिम्मेदारी भी भाई मैंने सुरेंद्र और सुलभ को दे दी, तो वो दोनों अपना वहां पे अपनी शॉपिंग वॉपिंग जो सामान वान लेना है वो अपना वहां पे वो दोनों ले रहे हैं। भाई अपना रेडी कर लो, भाई अपनी गाड़ी रेडी करके अपने बैग्स रेडी करके मैं पहुंच जाऊंगा सुबह, ठीक है। वगैरह जो भी लेना है वो उसकी लिस्ट तो भाई आपने अगर देखा हो वीडियो तो 5-7 वीडियो पहले ही मैं जब रोहतक गया था तब वो लिस्ट तैयार करके हम आ गए थे भाई, क्या चीज चाहिए, कुकर कढ़ाई बर्तन भांडे जो भी चाहिए है
और ये सारी चीज खाने पीने के जितना भी हमारे आइटम, क्योंकि इस ट्रिप पे भाई बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ये ट्रिप रहेगा हमारा। और ऐसा नहीं है कि ऐसी कैंपिंग पहली बार करें, कैंपिंग तो ऐसी पहले भी की है, लेकिन आपको पहली बार दिखेगी भाई हमारी दोस्तों की ना कैंपिंग के ऐसे भी करते हैं हम भाई, बिल्कुल ऐसे। भाई हमारी कैंपिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। हम ना मतलब यार नहीं, कल वाले ब्लॉग में बताऊंगा ये बात, तो हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो अगले ब्लॉग में बताऊंगा, ठीक है। एंड फिलहाल तो भाई इसकी पहले डिटेल्ड क्लीनिंग कराने चलते हैं। कहाँ पे? डिटेलिंग हंक पे चलेंगे, वहीं कराएंगे ना प्रॉपर इसको नीट एंड क्लीन, ट्रिप से जाने से पहले एंड ट्रिप से आने के बाद गाड़ी की प्रॉपर नीट एंड क्लीन वॉशिंग हो जानी चाहिए। जो रबड़ बोश वोश में कचरा वचरा सस्पेंशन में इधर में जाता है ना, तो टाइमली निकलता रहता ना, तो उससे आपका वियर एंड टियर घट जाता है। और जैसे मैंने आज ये छोटी मोटी चीजें चेक करने की बताई, तो ये जरूरी है भाई। कई लोग ना भाई अपनी गाड़ी का बोनट तक खोल कर नहीं देखते, तो भाई देखना चाहिए ना, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। हम डिटेलिंग हंग, तो फटाफट भाई अपनी गाड़ी का काम स्टार्ट हो गया। पहले जो मिट्टी थी एक्स्ट्रा उसको हवा से निकाल दिया एंड वॉशिंग स्टार्ट रहेगी भाई। कैलिपर में ना, ब्रेक कैलिपर में दबा के काफी देर तक पानी मारना, जितना भी कचरा है ना जमा होगा सारा क्लीन हो जाएगा, है फ्रेंड। कैलिपर में दबा के है ना, और बॉडी के नीचे सारा, और टायर्स पे ना ब्रश देना खींच के हमेशा करते हो। खैर तुम्हारे को तो बताने की जरूरत नहीं है मेरे को भाई। चलो भाई इसको होने देते हैं, अपने बैठते हैं आराम से। अभी आपने एंजॉय किए गाड़ी के टाइम लैप्स, अगर मैंने डाले होंगे भाई, तो वीडियो लंबा ना हो भाई इसलिए मैं टाइम लैप्स कई बार काट देता हूँ, रिकॉर्ड जरूर करता हूँ मैं। तो अभी भाई अपनी गाड़ी की प्रॉपर मतलब क्लीनिंग चल रही है। देखो शैम्पू लगते ही, मतलब शैम्पू से पहले मतलब पानी लगते भाई गाड़ी ना चमकना शुरू कर देती है। मतलब मिट्टी रहते रहते भी ना सरामिक और पीपीएफिन का भाई असर तो रहता है गाड़ी के ऊपर। देखो बाकी जिसके टायर्स हैं भाई वो बड़े गजब लगते हैं मेरे को। टायर से जो गाड़ी का स्टांस आता है ना भाई, इतना तगड़ा स्टांस किसी चीज़ से आ ही नहीं सकता। कमेंट बॉक्स करके बताना भाई अपन अपनी आने वाली गाड़ी के लिए कौन से अलॉयज एंड टायर्स ढूंढ रहे हैं जी। फाइनली अपनी गाड़ी रेडी होगी, ट्रिप के लिए रेडी होगी, फिर एक बार ये भी पूरी साफ सुथरी जाएगी। अब देखते किस शक्ल में ये वापस आएगी। एंड हर्ष भाई आज तो तेरी एब्सेंट लगा दी थी मैंने, बाकी तेरी एब्सेंस में ना मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब कोई अनजान है भाई साहब, तेरे पीछे से बल्कि ज्यादा अच्छा काम करते हैं ये। हाँ ऐसा है, ऐसा है। तू घर बैठ के मॉनिटर किया कर। नहीं फिर क्लाइंट को कैसे डील करेगा, आना तो पड़ेगा ना भाई। तो भाई फाइनल टच अप चल रहा है, बस अपनी गाड़ी में एक ही कमी है भाई, ये विंड स्क्रीन। चलो इसको तो आने के बाद चेंज करेंगे, अभी इतना टाइम नहीं अपने पास, टाइम लगता भी नहीं है। चलो जी भाई देखो बोनट चमक रहा है ना मजेदार गाड़ी यार, मतलब इतना टर्न रहनी चाहिए। मतलब यार अभी ना सच में बताऊँ ना, जितनी गाड़ी मेरी पहले साफ रहती थी ना सच में, अब उतनी साफ नहीं रह पाती भाई, सच बता रहा हूँ बिल्कुल। मतलब मेरे को खुद लगता है भाई, पहले तो ना मैं दो दो घंटे डेली लगा देता था गाड़ी पे, पर वही बात है ना यार, जब आप स्कूल कॉलेज और अब की लाइफ में फिर फर्क तो आ ही जाता है भाई, पहले में और अब में तो फर्क है ही भाई। अब ना आपको थोड़ा सा ना मैं डाउन सा लग रहा हूँ, डाउन मतलब वैसे मैं नहीं, मतलब सीट मैंने पूरी मतलब इसकी ना नीचे कर रखी है और स्टेयरिंग भी नीचे। मुझे जब ना सेडान वाली फीलिंग लेनी होती है ना, तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, इसकी सीट पूरी डाउन कर लेता हूँ। वैसे भी मैं एक या दो पॉइंट ऊपर रखता हूँ, ज्यादा ऊपर रखता नहीं, मेरे को आदत नहीं। मतलब जैसी गाड़ी ना उसको वैसे चलाना पसंद करता हूँ मैं। बाकी सारे काम अपने हो गए, गाड़ी ट्रिप रेडी हो चुकी है। एंड अपना डीजल भी भाई अभी रात को डलवा के ही खड़े करूंगा, क्या पता सुबह किस टाइम निकलना पड़ जाए अपने, है ना। अब घर जाके फटाफट पैकिंग करनी है, और पैकिंग भी ऐसी करनी है भाई कि कपड़े कम से कम रखने हैं और रिक्वायरमेंट के ज्यादा रखने हैं। मतलब ये नहीं है कि ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो, ना बिल्कुल रिक्वायरमेंट के कपड़े लेने भाई बस। एंड बाकी भाई कमेंट करके बताना कैंपिंग में हमारे को क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कि विक्रम भाई आप ये चीज भी कर सकते हो, ये चीज भी कर सकते हो, ये चीज भी कर सकते हो, ठीक है। और सुरेंद्र और सुलभ का मेरे को मैसेज आ रहा, मतलब व्हाट्सएप बराबर चल रहे हैं हमारे आपस में है? कि ये चीज ले ली, ये चीज ले ली, ये चीज ले ली, मां तुम ले जाओ फटाफट, रेडी कर दो सब कुछ, सारा सिस्टम घुमा दो। हाँ मैं भी घर पहुंचा था तो ना मेरे को गाड़ी से उतरने का मौका नहीं मिला, मेरे को बोला पहले हमारा सामान लाया जाए। और एकलव्य की तो एज इट इज स्टेशनरी जाग गई है ना एकलव्य, तो भाई मैं पहले बोला पैकिंग वैकिंग बाद में करना, पहले हमारा सामान दिला के लो। और विराज ऐसा सो के उठ गया है, सो के नहीं उठ गया है, वो नहा के आया। वाह मतलब शाम को दोबारा नहा के हैं, क्योंकि भाई टाइम बदल रहे हैं, पानी से बचो जितना हो सकता है बचो।
पानी से बचो, वो बचता ही रहता है लेकिन वो इतना अच्छा हो जाता है ना शाम तक। हाँ ये भाई सारा दिन नंगे पैर इधर उधर, आपको पता है बच्चे सारा दिन क्या करते हैं। चलो भाई चलते हैं मार्केट में लेते हैं सामान, फिर तो आप गायब हो जाओगे हफ्ता भर। हाँ दो चार दिन के लिए हम गायब हो जाएंगे। विराज ने भाई अभी नया ट्रैक्टर लिया है, ग्रीन ट्रैक्टर, विराज का फेवरेट है ग्रीन कलर। हाँ। है और ये टायर तोड़ भी दिया? नहीं ऐसे ही है। ठीक करता हूँ, ग्रीन कलर से मतलब अच्छा है वो। आप अपनी बताओ आज हमें क्या खिला रहे हो स्पेशल। एक दिन मैं भाई अनमोल भाई के साथ ना वो मोमोज खा के आया था, वो मोमोज बहुत है। मैंने ना आके ना बताया मार इतने बढ़िया मोमोज खाया आज तो हमने ना, बोले हमारे बिना खाए। चलो तुम्हारे बिना खाए पता तो पहले करके आया ना कि हाँ भाई ये मोमोज ये वाले भी होते हैं, तो भाई वो मोमोज खिलाने ले जा रहा हूँ इनको भाई मैं। ठीक है हैप्पी है कह रहे हमें। तो भाई अभी आ गए हम मोमोज खाने के लिए भाई, यम्मी एस2 ये जगह बताई थी भाई मेरे को अनमोल भाई ने, एंड भाई हम खाएंगे यम्मी यम्मी मोमोज। बोले हमारे को भी खिला के लाओ मोमोज हैं। क्या अकेले अकेले खाया है? एक लोग कैसे हैं? ओ बेटे एक लोग थम्स अप आ गया। विराज खा के बताओ कैसा है? अच्छा है। बबीना खाए अच्छा है। रट्टू तोता खा के बताओ। क्रंची नहीं अच्छा है, सॉफ्ट वाला आएगा। तो जी पहुंच गए हम घर पे, एंड भाई अब मैं करूंगा अपनी पैकिंग क्योंकि मैंने अब तक पैकिंग तो की नहीं है। और यहाँ पे लग रहा है स्कूल है, है इकला वे होमवर्क करना जरूरी है। देखो भाई होमवर्क करके जाना जरूरी। हाँ और ये विराज के देखो इतनी मिरिंडा ऑरेंज जूस पी गया है। ग्रीन ट्रैक्टर भाई अभी ना ये ग्रीन ट्रैक्टर लेके आया था कहाँ, ले भाई अपना ग्रीन ट्रैक्टर ये अभी लेके आया था भाई आते हुए। इसको तो ग्रीन कलर भाई इतना फेवरेट है, इसकी टी शर्ट भी जींस मतलब सब कुछ इसको ग्रीन कलर का दे दो। विराज आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ग्रीन। तो भैया मैं भी कर लेता हूँ भाई अपनी पैकिंग। ठीक है मुझे थोड़ी मेरी हेल्प कर दे यार, है कपड़े निकाल दे भाई क्योंकि अभी तक मैं विंटर से कपड़े निकाले नहीं है और वहां पे होगी ठंड तो भाई ज्यादा। तो वैसे तो देखो हमने लद्दाख भी टी शर्ट में ही कर दिया था भाई कवर, मैंने तो मतलब कैप तक भी नहीं पहननी थी भाई, कुछ भी नहीं पहनना ऐसे मतलब टी शर्ट में कर दिया था। पर तब में और अब में थोड़ा सा फर्क तो देखो वेदर में मिलेगा ही मिलेगा। एंड मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जब हम ट्रिप स्टार्ट कर रहे। वैसे तो ट्रिप अभी कुछ ही घंटों में स्टार्ट हो जाएगा, 11 बज गए ऑलमोस्ट, 6 घंटे के अंदर ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा लेकिन आपको तो भाई नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा ना। एंड भाई अकेला मतलब मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, मेरे से ज्यादा एक्साइटेड भाई हैं। अभी आपको लास्ट में भी ग्लिम्स दिखेगी, 15 सेकंड की क्लिप दिखेगी जिसमें गाड़ी के अंदर क्या सेट किया जा रहा है आप खुद ही देख लो। एंड अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाबा टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। कमेंट करके जरूर बताना भाई कि हमें इस ट्रिप पे और क्या क्या चीजें करनी चाहिए, आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, तो भाई कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आपको क्या चीज अच्छा लग रहा है। ठीक है आप देख लो ग्लिम्स। ये भाई पावर बैकअप का सॉल्यूशन चल रहा है गाड़ी में, हम कर रहे हैं इन्वर्टर की बैटरी सेट, और ये हमारी सोलर प्लेट, इन्वर्टर की बैटरी इन्वर्टर इन्वर्टर ये इन्वर्टर की बैटरी यहाँ पे।